हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय साइंस एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स और इसमें ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा आइगेन फंक्शन एंड आइगेन वैल्यूज। तो स्टार्ट करते हैं कि आइगेन फंक्शन क्या होता है। कि यदि मेरे पास कोई ऑपरेटर ए ऑपरेटर हो और उस पर कोई एक स्पेशल फलन साई संक्रिया कर रहा है, तो इसके लिए मेरे पास एक रिलेशन आता है कि ए ऑपरेटर साई इक्वल टू ए साई, जहां जो फलन साई है इसको ऑपरेटर ए का आइगेन फंक्शन या अभिलाक्षणिक फलन कहते हैं, जबकि जो स्मॉल ए है इसे आइगेन वैल्यू या अभिलाक्षणिक मान कहते हैं, और जो इक्वेशन वन है इसे हम आइगेन मान समीकरण कहते हैं। अब जो ये हर्मिटिक संकारक होते हैं उनके लिए आइगेन का मान सदैव वास्तविक होता है। ये हमने प्रूव भी किया है कि आइगेन का मान सदैव वास्तविक होता है हर्मिटिक संकारों के लिए। आप ये मेरे लास्ट लेक्चर में देख सकते हैं। और जो काल अनास्थित श्रोडिंगर समीकरण होती है वो एक आइगेन मान समीकरण होती है। कैसे होती है, देखिए कि एच ऑपरेटर साई आर इक्वल टू ई साई आर वेक्टर, यानी कि एच हैमिल्टोनियन संकारक होता है और जो साई आर है यहाँ आइगेन फंक्शन है और जो ई है ये आइगेन वैल्यू है। जो आइगेन का मान है कण की कुल ऊर्जा का प्रत्याशा मान होता है, और ये जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है इसके बारे में हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। डिजनरेसी अब भ्रष्टता क्या होती है कि कोई ऑपरेटर है उसकी जो आइगेन मान समीकरण हमें दे रखी है कि ए ऑपरेटर साई एन इक्वल टू ए एन साइन एन, यानी कि एक आइगेन मान है ए एन, उसके संगत यदि एक से अधिक आइगेन फलन हो जैसे साई एन वन साइन एन टू साइन एन थ्री हो, तो जो कि एक दूसरे के सापेक्ष रेखिक स्वतंत्र हो, यानी कि एक दूसरे पर डिपेंडेंट ना हो। तो देखिए ए ऑपरेटर साई एन वन इक्वल टू ए एन साइन एन वन, ये ए एन इसकी आइगेन वैल्यू है। ऐसे ही दूसरा मेरा आइगेन फंक्शन है ए ऑपरेटर साइन एन टू इक्वल टू ए एन साइन एन टू, जितने यहाँ ए एन आइगेन वैल्यूज हैं उतने ही मेरे पास यहाँ आइगेन फंक्शन है। तो यदि एक आइगेन मान के संगत एक से अधिक रेखीय स्वतंत्र आइगेन फलन मौजूद हो तो इसे हम आइगेन मान अपभ्रष्टता या डीजनरेसी कहते हैं। अब कोई आइगेन मान है जैसे ए एन, उसके संगत जितने रेखिक स्वतंत्र आइगेन फलन विद्यमान होंगे उस संख्या को हम ऑर्डर ऑफ डीजनरेसी या अपभ्रष्टता की कोटि कहते हैं। अब कोई हमारे पास हैमिल्टोनियन संकारक है एच ऑपरेटर साई इक्वल टू ई साई, इसमें एक ऊर्जा स्तर के संगत n रेखिक स्वतंत्र आइगेन फंक्शन विद्यमान हो तो वह ऊर्जा स्तर n गुणा अपभ्रष्ट कहलाता है। यानी कि एक ऊर्जा स्तर जो n ऊर्जा स्तरों में विभक्त है तो उसमें जो स्पेक्ट्रम रेखाएं जो सूक्ष्म व अति सूक्ष्म संरचना है वो अपभ्रष्ट ऊर्जा स्तरों के कारण होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।